सैयद सादिक अली, मैं जनरल मैनेजर ऑपरेशन किम्स बीबी हॉस्पिटल मलकपेट के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग आज अंदाकेशन ऑफ वर्ल्ड नो टू वॉक डे, आज 2K वॉक ऑर्गेनाइज करें हम लोग, 2 किलोमीटर्स वॉक और बाइक रैली ऑर्गेनाइज करे थे। ये प्रोग्राम के लिए हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी जी और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्यनारायण जी सपोर्ट दिए थे। तो ये प्रोग्राम में हम लोग पब्लिक में ये टुबाक की वजह से कितना बीमार आ रहे हैं उस अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कंडक्ट करे थे। तो अभी एवरी डे इंडिया में देखा जाए तो डेली 5,500 मेम्बर्स की स्मोकिंग हैबिट बैड हैबिट में ये स्मोकिंग कर रहे हैं, थोड़ा डेली न्यू तो नया ये स्मोकिंग हैबिट को चूज़ कर रहे हैं। तो पब्लिक में ये अवेयरनेस लाने के लिए ज़्यादातर अगर 50% डेथ्स अगर लिया जाए तो स्मोकिंग की वजह से होने डेथ में 4 कंट्रीज में ज़्यादा हुए, इंडिया, चाइना और USA रशिया में ज़्यादा हुए। तो अपने इंडिया में ज़्यादातर ये लोग 35% पीपल यंग जनरेशन के, तो यंग जनरेशन अपने कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो अब ये थ्रेट टू डेवलपमेंट बन गया, अपने बहुत सारे कंट्रीज के लिए चैलेंजिंग बन गया, अपने डेवलपमेंट के लिए थ्रेट बन गया। तो इसलिए अवेयरनेस पब्लिक में ये स्मोकिंग का अवेयरनेस लाने के लिए हम लोग ये 2K वॉक कंडक्ट करे थे। इसके बगैर भी हम लोग हमारे हॉस्पिटल रहते किम्स बीबी मलकपेट हॉस्पिटल के तरफ से एवरी संडे 9 to 12 नो टुबाको अवेयरनेस क्लिनिक भी कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें फ्री कंसल्टेशन और फ्री काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। और हम लोग हमारे हॉस्पिटल के 10 किलोमीटर रेडियस में दिलचुनगर जिला और वोल्ड सिटी के सराउंडिंग्स में फ्री कैंसर स्क्रीनिंग एक्टिविटीज और इसमें नो टुबाको अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो अब आज ऑकेशन है, वर्ल्ड नो टुबाको डे ऑकेशन है, ऐसा नहीं कि आज ही एक अवेयरनेस क्रिएट करना है। हम लोग एवरी संडे 9 to 12 में जो भी अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में अगर छोड़ना चाह रहे हैं तो काउंसलिंग सेशन हमारे पास है। अगर कोई बीच में क्विट कर दिया फिर भी उसका इम्पैक्ट कितना रहता है उनके बॉडी पे, कुछ काउंसलिंग सेशन और कंसल्टेशन फ्री का ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ फ्री कंसल्टेशन हॉस्पिटल आके ले सकते हैं।